Assalamu alaikum class 5 how are you all I hope you all are fine this is your maths video in which we are going to complete our chapter number 7 that is geometry in this video we are going to start our exercise 7b question number uh, question number 6 which is on your page number 130 okay the question is find the complementary angle x in each of the following right angles using a protractor कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि वाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं विच इज़ विच सम इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री जिनको ऐड करके उसका जो सम है वो किसके इक्वल आए 90 डिग्री के इक्वल आए तो फॉर एग्जांपल इसका ए पार्ट हम करते हैं यहाँ पे उन्होंने कहा है एक्स डिग्री यानी कि एक्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है हाफ इस एंगल को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक हिस्से को 35 डिग्री कहा है और एक हिस्से को उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से अब आप यहाँ पे क्या करो प्रोटेक्टर लो इस एंगल पे जो पॉइंट है जहाँ पर आपस में मिल रहा है वहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखना आप देखोगे ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है नाइन्टी डिग्री के ये लाइन कहाँ जा रही है नाइन्टी डिग्री पर जा रही है तो नाइन्टी डिग्री अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व करने का क्या तरीका है सिंपल क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इसका क्वेश्चन ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं थर्टी फाइव अब मैंने आपको कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है नाइन्टी डिग्री के इक्वल होता है तो अब नाइन्टी डिग्री तो हम लोगों को पता है कि नाइन्टी डिग्री है लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने थर्टी फाइव बताया हुआ है तो सिंपल हम लोग नाइन्टी को किससे माइनस कर देंगे थर्टी फाइव डिग्री से माइनस कर देंगे तो नाइन्टी को हम थर्टी फाइव से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव डिग्री इट मीन्स ये जो क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स दिया हुआ है ये एंगल आपका क्या बता रहा है फिफ्टी फ़ाइव डिग्री फिफ्टी फ़ाइव में थर्टी फाइव को प्लस करते हैं तो नाइन्टी डिग्री आता है ना हम लोगों ने जस्ट उन लोगों ने एक बताया हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है जिसमें एक एंगल थर्टी फाइव दिया हुआ है दूसरा हम लोगों ने खुद फाइंड करना है तो नाइन्टी में से हम थर्टी फाइव को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिफ्टी फाइव डिग्री ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी बी पार्ट देखो इसमें भी ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एक को ट्वेंटी कहा हुआ है दूसरा उन्होंने कहा है एक्स यानी कि अपने फाइंड करना है अब नाइन्टी में से ट्वेंटी को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा सेवेंटी डिग्री तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि नाइन्टी में से ट्वेंटी को माइनस करो तो सेवेंटी डिग्री है तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख देंगे सेवेंटी डिग्री तो सेवेंटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल्स टू नाइन्टी विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे ही आपने इसका सी पार्ट खुद करना है अब क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइन द वल्यू ऑफ वाई इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स तो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं विच इज इक्व विच सम इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं विच सम इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इनका सम किसके इक्वल होता है वन एटी डिग्री के इक्वल होता है सिंपल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बस वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाएगा वहां पे हमने 90 में से माइनस किया था यहाँ पर हम 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसका ए पार्ट है 44 डिग्री ठीक है हम लोगों ने क्या करना है 180 में से सिंपल माइनस कर देना है 44 तो 180 में से जब 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वन डिग्री तो सिंपल हम लोग क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिख देंगे वाई की जगह वन थर्टी सिक्स डिग्री यानी कि एक कॉमन सेंस की भी बात है वन थर्टी सिक्स में फोर्टी फोर को एड करते हैं हमारे पास टोटल किसके इक्वल आता है वन एटी के उन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि आपने ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आप लोगों ने सप्लीमेंट्री एंगल्स को जहन में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं विद सम्स आर इक्वल्स टू वन एटी डिग्री तो अब अगर हम इन दोनों को इसको फोर्टी फोर को हम वन थर्टी सिक्स में प्लस करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास वन एटी डिग्री आता है तो हमें वन एटी डिग्री का अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वन थर्टी सिक्स का नहीं आइडिया तो आप वन एटी में से माइनस कर दो जो एंगल उन्होंने सेकंड दिया हुआ है दैट इज़ फोटी फोर डिग्री तो हमारे पास आंसर

वन थर्टी सिक्स पे जा रहे हैं तो आपका ऑलरेडी इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से भी वन थर्टी सिक्स वन सिक्स डिग्री आ रहा है अब बी पार देखो इन लोगों ने वन डिग्री एक बताया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है वन एटी डिग्री के इक्वल होता है तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है तो दूसरा वैल्यू क्या बताई भैया वन फिफ्टी तो 180 में से 150 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या आंसर आ जाएगा 30 डिग्री तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो सेकंड पार्ट है यानी वाई बीप का जो वाई पार्ट है ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा 150 डिग्री में 30 को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है 180 डिग्री ऐसे आपने सारे क्वेश्चन जो है अपनी लूज शीट्स पर करने हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज सेवन सी योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स बेटा हमेशा याद रखना सम ऑफ ऑल ट्राई एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री यानी कि कोई भी ट्राई एंगल है तीन साइडेड ट्राइंगल्स होते हैं ना उसको ट्राइंगल बोलते हैं ना वो आपका किसके इक्ल होता है वन डिग्री के इक्ल होता है तो हम लोगों ने हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना तो हम लोगों ने उसका सम किसके इक्वल लाना होता है वन डिग्री के लाना होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है ए पार्ट में 45 डिग्री उन्होंने एक दिया हुआ है उन्होंने एक्स यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है मैंने आपको वीडियोस में बताया था जहाँ पर इस तरह का स्क्वेयर शेप आता है या उसका क्या मतलब होता है वो किसके इक्वल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है ठीक है 90 डिग्री के इक्वल होता है तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है हम लोग थर्ड थर्ड वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो हम इजीली थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने इक्वल किसके लिए लाना होता है वन एटी डिग्री के इक्वल लाना होता है तो अगर एक वैल्यू हमारे पास फोर्टी फाइव है सेकेंड वैल्यू हमारे पास नाइन्टी है तो थर्ड वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट है इसका एक वैल्यू फोर्टी फाइव है और दूसरी वैल्यू नाइन्टी डिग्री है ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा है ना जिसको हम लोग राइट right एंगल बोलते हैं तो नाइन्टी में से हम सिंपली फोर्टी फाइव को लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फोर्टी फाइव थर्ड वैल्यू का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा यानी नाइन्टी में से फोर्टी फाइव को लेस किया तो हमारे पास थर्ड वैल्यू का आंसर है जो कि है फोर्टी फाइव डिग्री तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव अब ऐसे इसका बी पार्ट देखो मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ़ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं वन एटी डिग्री के अब बी पार्ट में उन्होंने एक वैल्यू बताई हुई है एटी फोर और सेकेंड वैल्यू बताई हुई है ट्वेंटी टू अब एटी फोर और ट्वेंटी टू तो हम लोगों को पता है हम लोगों को पी जो उन लोगों ने पी वाली वैल्यू है ये नहीं बताई हुई हम लोगों ने पी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको इक्वल किसके लेकर आना है वन एटी डिग्री के इक्वल लेकर आना है तो वन एटी डिग्री के इक्वल जब हम लेकर आएंगे तो वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हुई है एक दी हुई एटी फोर और सेकेंड दी हुई है ट्वेंटी टू वैल्यू दी हुई है अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोगों ने क्या करना है एटी फोर में प्लस कर देने हैं ट्वेंटी टू जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं गौर से समझना 84 में हम 22 वैल्यू जो ये वाली वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है एटी टू और 822 इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे तो 84 में 22 प्लस करते तो आंसर आता है 4 प्लस टू सिक्स और 8 प्लस टू टेन वन जीरो सिक्स अब वैल्यू हम लोगों ने किसके इक्वल लेकर आनी है हम लोगों ने इक्वल लेकर आनी है वन एटी डिग्री के क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होता है वन एटी डिग्री तो वन ज़ीरो सिक्स तो आ गया है लेकिन थर्ड वाली वैल्यू जो है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे वन एटी डिग्री में माइनस कर देंगे वन जीरो सिक्स डिग्री तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेवनटी फोर डिग्री यानी कि थर्ड वैल्यू जो यहाँ पर पी दी हुई है वो आ जाएगी सेवेंटी फोर डिग्री अब अपनी आसानी के लिए अगर आप लोगों ने समझना है तो आप क्या करोगे एट्टी फोर प्लस ट्वेंटी टू प्लस सेवेंटी फोर विच इज़ इक्वल्स टू वन एटी डिग्री तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया है वन एटी डिग्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी पार्ट वाई वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है टू वैल्यूज हमें दी हुई है सेवेंटी डिग्री एंड सिक्सटी थ्री डिग्री अब ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों का सम जो है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल आना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए तो सी पार्ट बेसिकली उसमें बताया हुआ है एक वैल्यू उन्होंने दी हुई है सेवेंटी डिग्री और सेकंड वैल्यू कौन सी दी हुई है 63 और हमने फाइंड आउट कौन सी करनी है वाइव हमने फाइंड आउट करना है तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने ए और बी पार्ट इसका किया है अब इसमें क्या करेंगे सेवेंटी में हम लोग प्लस कर देंगे सिक्सटी थ्री सेवन प्लस सिक्स थर्टीन वन थर्टी थ्री हमारे पास वैल्यू आ गई है अब वन थर्टी थ्री वन एटी के इक्वल्स तो नहीं आई ना अभी दो वैल्यूज तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वन एटी में माइनस कर देंगे वन थर्टी थ्री डिग्री तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्टी सेवन डिग्री तो ये जो आंसर है ये आपका किसका आएगा आंसर वाई वैल्यू का फोर्टी सेवन डिग्री अब अगर आप लोगों को ऐसे पता नहीं चल रहा कि अब किस तरह से थर्ड वैल्यू आ रही है तो आप सेवेंटी सिक्सटी थ्री और फोर्टी सेवन इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो सेवनटी सिक्सटी थ्री और फोर्टी सेवन तो इक्वल किसकी आ जाएगा ये वन एटी डिग्री हमेशा ट्राइंगल्स को हम लोगों ने किसके इक्वल लेकर आना होता है वन एटी डिग्री के ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल द सम ऑफ द ट्राइ आर ऑलवेज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री अब ऐसे ही आपने ये सारे क्वेश्चन जो है अपनी लूज शीट्स पर करने हैं ओके स्टूडेंट्स They get a laugh is.